हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहली वीडियो में 2019 उत्तराखंड बोर्ड 2019 केमिस्ट्री थ्योरी का पेपर सोल्व करा था। उस पेपर में हमने शुरू के 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे पूरे, और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा, पूरा पेपर किसी चैनल पर लगभग सोल्व नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी इन दोनों वीडियो में पूरा पेपर सोल्व कर रहे हैं। एक वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए पहले से ही, और उसमें हमने पूरा तरीका सिखा दिया कि कैसे कैसे हम पेपर को शुरू करेंगे। पहले निर्देश पढ़ेंगे भली भांति, फिर एक एक नंबर के सवाल को सोल्व करेंगे, कितना लिखना वो भी हमने समझाया, और दो नंबर में कितना लिखना वो भी हमने बताया। यदि आपने हमारी वो पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो उम्मीद करूंगा आप उस वीडियो को भी देखेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो पूरा पेपर हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। ओके, और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल को देख रहे उन स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट की जा रही, यदि वीडियो आप पूरी ध्यान से देखना, अगर वास्तव में अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे, 21 सब पहले क्वेश्चन पूरे सोल्व हो गए थे, और इस वीडियो में हमारा जो पेपर चल रहा है 2019 का, जिसका कोड 430 IZX है, उसका 21वां सवाल हम शुरू करेंगे। 21 सवाल में ये जो हमने शुरू में सवाल लिख रखा है, ये हमारा आठवां वाला सवाल है। इसमें कॉलम दे रखे थे दो कॉलम, उन कॉलम को मैचिंग करना था, क्लियर है। तो उसमें जस्ट हमारी परिभाषा याद है तो हम उस कॉलम को आसानी से मैच कर पाएंगे। जैसे ग्लूकोज का एक मोनोसैकेराइड्स होता है, ओके, जिसका फॉर्मूला C6H12O6। सुक्रोज इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ये क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है हमारा, ठीक है। सॉरी, और जो डीनेचुरेशन होता है, विकृतिकरण बोलते हैं, ये क्या होता है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, लॉस करता है। और क्लोरोफिल क्या होता है, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल होना चाहिए प्लांट्स के अंदर, है ना। और एटीपी क्या होती है, एटीपी क्या होती है, एक एनर्जी होती है, एनर्जी ट्रांसफर रिएजेंट, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये था हमारा, ये डेफिनेशन होती है, हमारा आसानी से कवर हो सकता था, ये इनकी परिभाषा याद होगा। और फिर इन्होंने दिया न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, जो हमारा डीएनए आरएनए होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, नाइट्रोजीन न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। और न्यूक्लियोसाइड के साथ यदि फॉस्फोरिक यूनिट ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, क्लियर है बात। तो ये दोनों में डिफरेंस था, न्यूक्लियोसाइड एक माइनर यूनिट होती है और न्यूक्लियोटाइड एक मेजर यूनिट होती है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे पोर्शन में, खाया के अंदर डीएनए व आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको लेकर चलते हैं। जो अंतर वाले सवाल है, आप उस अंतर वाले सवाल में बहुत अच्छे नंबर बना सकते हैं अगर उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट किया जाए, क्लियर है। एक साइड में हम डीएनए लिख लेते हैं, एक साइड में हम लिख लेते हैं आरएनए। पहले नंबर पर तो हम इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और दूसरे नंबर पर लिख देंगे इनके अंदर जो बेस प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर जो बेस पाया जाता है, कौन कौन से बेस पाई जाती है, हमारा एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, थायमिन के जगह यूरेसिल पाया जाता है इसमें, ये अंतर होता है, ठीक है, दो पता चल गई। और इसमें तीसरे नंबर पर हम बता सकते हैं ये डबल हेलिक्स होता है, डबल, और ये क्या होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। और जो डीएनए के जो काइंड्स होते हैं हमारे, इसके जो टाइप्स हो गए ना, टाइप्स ए बी सी डी के इस टाइप्स होते हैं, और आरएनए के जो टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये इसके टाइप्स होते हैं। तो इस आधार पर आप एक एक चीज़ को प्रॉपरली समझा सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं आप, इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, दिस वन, और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, दिस वन। और एक चीज़ और बता सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्लियर, आरएनए में रेप्लिकेट नहीं होता। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनको ना आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
22 में केवल नेमिंग रिएक्शन है, 22 का ए कार्बिलेमिन रिएक्शन लिखनी है हमको, क्या लिखनी, कार्बिलेमिन रिएक्शन, इसमें कार्बिलेमिन इथाइलेमिन की रिएक्शन कर देंगे C2H5NH2, ये है कार्बिलेमिन, कार्बिलेमिन में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो जाएगी इसकी और बेस की प्रेजेंस में हो जाएगी CHCl3+KOH, तो हमें प्राप्त हो जाएगा आइसोसाइनाइड C2H5NC+KCl+वाटर, ये रिएक्शन होती है मेन रिएक्शन, ठीक है, इसमें बैलेंस भी कर सकते हैं और इस फॉर्म में हम छोड़ सकते हैं इसको, ये कार्बिलेमिन रिएक्शन होगी। दूसरी होबमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, नाम में पता एमाइड की रिएक्शन हो रही है, CONH2 की रिएक्शन होगी, अभी NH2 की रिएक्शन होगी Br2+KOH, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये एमाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा एमीन में KBr+H2O, आप यहाँ पर R ग्रुप लगा लेंगे तो यहाँ पर भी R ग्रुप हो जाएगा, क्लियर, तो ये रिएक्शन हमारी, आंसर 23। इसमें पूछा संक्रमण और आंतर संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट और इधर लिख दो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इस टाइप से लिख देंगे। सबसे पहले ये कौन से ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के, ये कौन से ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, क्लियर बात। इसमें लिखोगे इनकी जो बैलेंस होती है वेरिएबल होती है, कैसी होती है, वेरिएबल, परिवर्ती संयोजकता, हिंदी में लिख दो परिवर्ती संयोजकता, ठीक है, और इनकी कम परिवर्तित होती है, ठीक है, एक तो ये बात, ये रंगीन होते हैं सब, ये रंगीन भी होती हैं और रंगहीन भी होती हैं, क्लियर बात। इनके अंदर संकुचन नहीं होता, इनमें होता है, जैसे लैंथेनाइड संकुचन का आपने नाम सुना ना, एल ए संकुचन या लैंथेनाइड एक्टिव संकुचन, तो इस तरह से आप ठीक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसमें प्रॉपरली आप हेडिंग डालकर समझाएंगे, तो ये हेडिंग डालकर ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह नंबर वाइज करते जाएंगे, तो ये आप आसानी से आप इस बात को समझा पाएंगे। नेक्स्ट सर एक न्यूमेरिकल दे रखा है 24वां, न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल में करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान में होना चाहिए, आपको जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उसको लिखो और यूनिट का ध्यान रखते हैं, फॉर्मूले वैल्यू अप्लाई करनी होगी, फिर आपको देखो कैसे दे रखा है ये हमारा प्रोटीन के 200 cm³, यानी वॉल्यूम दे दिया, वी दे दिया 200 cm³ वॉल्यूम दे दिया प्रोटीन का, और एम दे दिया इसका, एम कितना दे दिया 1.26 ग्राम, यानी CGS में यूनिट है, CGS की यूनिट है, और टेम्परेचर T = कितना दे दिया 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, और प्रसरण दाब P = हमें दे दिया 2.57 × 10⁻³⁷ ATM एटमोस्फेरिक प्रेशर दे दिया, और मोलर द्रव्यमान M = हमको कैलकुलेट करना, क्लियर। एक फॉर्मूला आता है PV = nRT हम जानते हैं, और PV = n नंबर मोल्स कैसे निकालते, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, यानी W/m, इसको W कह देंगे ना, वेट है ना, W/mRT दिस वन, यहाँ से ये m कैलकुलेट करना है, m = क्या आ जाएगा, यहाँ सर m = हो जाएगा यहाँ सर PV आ जाएगा ना PV/WRT, ये वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू रखेंगे हम, P की वैल्यू कितनी 2.57 × 10⁻³, V का वैल्यू कितनी 200 cm³, W की वैल्यू कितनी दे दी हमें 1.26 × T 300 × 8.31, ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। अगर इतना भी हम करते हैं तो हमें मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसको जरा सोल्व करना, आंसर निकालना इसका है, नेक्स्ट खैस का ही
ख दिया इसका, सॉरी अथवा वाला क, 24 का हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी ने एक नियम दिया था, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने, उसने कहा था कि किसी विलयन में विलय की जो मात्रा है कितनी उसमें डिजोल होगी, उसकी जो मात्रा होगी उसके वेपर प्रेशर के समानुपाती होगी, यानी m प्रोपोर्शनल टू p, ये वेपर प्रेशर है, m इज इक्वल टू kp, k क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो विलय पदार्थ है कितना की सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, m प्रोपोर्शनल टू m इज इक्वल टू kp, k एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें दूसरा दे रखा है मोल अंश, मोल अंश की परिभाषा, हालांकि ये हमारी जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स की उस चैप्टर में पूरा समझा रखा, आप वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर की वीडियो देखेंगे वहाँ पर ये आपको डिटेल में मिलेगा। मोल अंश किसी विलयन में विलय और विलायक दोनों का अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी बाइनरी सॉल्यूशन का, अब सपोज हम विलय का कैलकुलेट करें तो मोल अंश को हम डिफाइन करते हैं एक्स, और सपोज कोई ऐसे है कोई दो अवयव इसमें घुले ए प्लस बी, सपोज ए का निकाल ले तो एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए के मोल लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये है यानी अवयव के मोल बटे विलयन के मोल, ये इसका सूत्र। और इसी प्रकार हम बी का निकाल लेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये फॉर्मूला। इन दोनों का सम एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होगा वन, ये हम जानते हैं पहले से ही। नेक्स्ट डेफिनेशन पूछी मोललता, मोललता, मोलरता, सॉरी मोलरता, मोलरता यहां लिखते हैं, इसको रब करते हैं, कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं, कैपिटल एम बराबर होगा विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, लीटर में, बस ये सूत्र है इसका, कैपिटल एम इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये होगा हमारा। अब नेक्स्ट हमारा 25वां क्वेश्चन, आंसर 25 का फर्स्ट, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत आसान डेफिनेशन है, ध्यान समझ लेना, किसी भी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा, क्लियर। आयनित यानी किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये अगर ये अलग अलग मॉलिक्यूल में, जैसे कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको बोले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो उसको सेकंड, तीन लॉस कर सकता है उसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे सोडियम के केस में बात करें तो सोडियम किस फॉर्म में होगा, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन होगी इसको बोलते आयनाइजेशन फर्स्ट IE1। और सपोज मैं बात करूँ मैग्नीशियम केस में तो मैग्नीशियम प्लस चार टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन तो IE2, ठीक है। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन तो IE3 होता है। तो इनका जो ऑर्डर होता है इस ऑर्डर में ये इंक्रीज होता चले जाता है, ये होगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेशन जरा ध्यान समझना, ऑक्सीकरण अवस्था किसी परमाणु या यौगिक में उपस्थित वो आवेश किसी परमाणु या मॉलिक्यूल में उपस्थित आवेश की वो संख्या जिसके आधार पर वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इट इज द चार्ज व्हेन एन एटम बिकम्स स्टेबल, ये किसी मॉलिक्यूल का वो चार्ज होता है जिस चार्ज को अचीव करने के बाद वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी 1।
क्लियर बात। अगर मैं बात करूँ कोई कंपाउंड ले लें जैसे SO4-CH2, तो -CH2 क्या है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि इस स्टेट में आने से ये क्या स्टेबल हो जाता है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट तीसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जब किसी उदासीन गैस परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सपोज क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम, तो क्लोरीन माइनस बन रहा है, तो इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता, जितनी ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर बात। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26। थोड़ा स्पीड बनाते हैं चलेंगे तो पेपर तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो पेपर छूट जाता है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत लंबा आता है इसलिए स्पीड बनानी पड़ेगी। किण वन फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी एंजाइम के थ्रू जो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। बेसिकली इसको लिखेंगे इट इज़ अ केमिकल चेंज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू अ एंजाइम। एंजाइम्स किसी रासायनिक पदार्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को इकट्ठे कर देते हैं तो उस पर फंगस लग जाती है, फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, उस प्रक्रम को बोलते हैं किण्वन। किण्वन में क्या होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है किसी कंपाउंड में थ्रू एंजाइम्स उस परिवर्तन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है सीरा क्या होता है, मोलासिस। सीरा क्या होता है, ये होता है ये होगा हमारा सीरा ना। क्लियर है। इस पर क्या करेंगे, वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें एक एंजाइम कार्य करता है, क्योंकि ये रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में होगी। इन्वर्टेस एक एंजाइम होता है, कौन सा होता है, इन्वर्टेस, तो ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। अब इन दोनों से कोई सा ले लो, ग्लूकोज ले लेंगे या फ्रुक्टोज ले लेंगे। सपोज हमने ग्लूकोज ले लिया, ये किसी अन्य एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होगा, जाइमेज एंजाइम का नाम है जाइमेज, तो ये कन्वर्ट होगा 2C2H5+CO2, CO2 गैस का रिमूवल हो, ये प्राप्त होगा। सीरियस में क्या प्राप्त करना, ग्लूकोज ये प्राप्त होगा, इथाइल अल्कोहल प्राप्त करना। क्लियर बात। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अलग अलग मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। सपोज लैम्डा एम नॉट ऑफ ए एक्स बी वाई, इसकी कैलकुलेट करनी हो, इजकल टू हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस वाई ए नॉट बी माइनस। एक्स क्या है, इसमें उपस्थित इसके संख्या, और वाई इसमें उपस्थित इसकी संख्या। सपोज जैसे मैं CaCl2 की ज्ञात करूँ लैम्डा एम नॉट, तो इसमें क्या होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca+CH2 प्लस 2 क्लोरीन है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई जाएगी 2 ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस दिस वन, इसको बोलते हैं कोलराउस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों ऋणायनों की अलग अलग मोलर चालकताओं के योगफल तथा उसमें उपस्थित आयनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये गुणनफल करेगा इसमें, ठीक है, तो कोलराउस का नियम होगा। नेक्स्ट है इसी का क्या है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो जिन इस प्रबल विद्युत अपघटित जिसको इलेक्ट्रोलिसिस करने पर अपने कैटायन आयनों में आसानी से वियोजित हो जाता है, जैसे NaCl, KaCl। NaCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaCl अपने कैटायन आयनों में आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार KCl कैसे ब्रेक हो जाएगा, K+ Cl-, ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण हमारा हो जाएगा जैसे एसिटिक एसिड भी अपने कैटायन आयन में ब्रेक होता है, बट उतना फास्टली नहीं जितना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए एसिटिक एसिड कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हम बात करेंगे। 28 क्वेश्चन हमारा केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, और केमिकल काइनेटिक्स अगर आप एक बार हमारे चैनल पर देखोगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई केमिकल काइनेटिक्स की, वहाँ पर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है। चैप्टर बहुत सेलेक्टेड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, लगभग 7-8 नंबर का बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है ये। 28 का ए कहा कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के लिए व्यंजक स्थापित करना। देखो हमने कोई रिएक्शन ले ली A to P, ये कोई रिएक्शन है। क्लियर, इसका जो रेट होगा -dA/dt, रिएक्टेंट के टर्म में माइनस होता है, dA/dt प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और इसकी पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए हम बात करें तो -dA/A हमने इसको एडजस्ट करके लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, KT लगा देंगे। क्लियर है बात। और इसका हम समाकलन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, हमने प्रारंभिक सांद्रता मान ली A0, अंतिम सांद्रता कह दी हमने A, और जब प्रारंभिक सांद्रता A0 उस समय T की वैल्यू कितनी है, 0, और T बराबर बाद में क्या है, T है, तो ये पावर तो यहाँ 0, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो dA का समाकलन हो जाएगा A, dx का समाकलन होता है x, और यदि इसके ऊपर लिमिट A टू B लगी हो तो इस पर हम ऐसे करते हैं A to B, तो अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट हम लेस करें B-A, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस चिन्ह पहले से ही है, यानी A-A0। क्लियर बात, ये माइनस ऑलरेडी पहले से बाहर है, इजिकल टू K into T, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा A0-A इजिकल टू K into T, या इसमें हम K = कर सकते हैं, K = हो जाएगा ये हमारा A0-A/T। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप फॉर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के लिए व्यंजक होता है हमारा। क्लियर बात। अब इसी के खैम हम बात करेंगे टक्कर सिद्धांत के बारे में, आप इसको जरा नोट कर लीजिए। पहले तो ये हमारा कोलिजन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान समझ लेना। कोलिजन सिद्धांत में क्या होता है, 28 का क्या क्वेश्चन है ये हमारा ना, 28 का ख वाला। कोलिजन सिद्धांत क्या कहता है, ये अरेनिस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अनुसार हम जानते किसी भी मॉलिक्यूल में कंटेनर में दो टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव वाले होते हैं जिनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होती है, और पैसिव होते जिनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा नहीं होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो दो पॉइंट है इसमें, एक तो एनर्जी का, एक विन्यास का। इस सिद्धांत में दो पॉइंट है, एक तो ऊर्जा अवरोध और दूसरा होता है इसमें विन्यास। दोनों को जरा ध्यान रखना। ऊर्जा के केस में तो क्या है कि केवल वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके जिनके पास एक न्यूनतम दहली ऊर्जा आवश्यक होगी, ठीक है, बाकी निरर्थक रहेंगे, बाकी कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कराएंगे। ऊर्जा अवरोध में क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही कोलाइड करेंगे, जैसे एक निश्चित डायरेक्शन में कोलाइड होगा तो ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार से हम SN2 का इसमें उदाहरण देते हैं, SN1 का उदाहरण देते हैं, SN1 में SN1 रिएक्शन में क्या होता है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं ना हम, ये वाला टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, इस पर हम बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त। तो इसमें फ्रंट साइड में भी और बैक दोनों साइड में अटैक हो सकता है, तो फ्रंट और बैक साइड में अटैक होने से हमें क्या प्राप्त होता था, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन।
तो बिल्कुल इसी तरह से आप समझेंगे कि एक निश्चित दिशा में ही जब जैसे पेन की कैप, सपोज पेन कैप, एक मिनट एक उदाहरण के आधार पर हम समझाते हैं। सपोज ये पेन है, इसकी पेन कैप खुली, अगर ऐसे हम इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, नहीं बंद होने का ना, अगर इसकी एक निश्चित दिशा में ऐसे बंद करेंगे तो आसानी से बंद होगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो यही कहता है कोलिजन सिद्धांत कि विन्यास एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब टक्कर होगी तो ही प्रोडक्ट बनेंगे, अगर निश्चित दिशा में टक्कर नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए दहली ऊर्जा होना आवश्यक होते हैं मॉलिक्यूल के पास। क्लियर, इसको प्रॉपरली डायग्राम सहित आप इसमें SN2 SN1 रिएक्शन का उदाहरण देते हुए समझा पाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट हमारा इसमें अथवा वाले में दिया था, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये न्यूमेरिकल स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम तापीय डाटा दे रखे थे, वेग स्थिरांक गणना करनी थी। वेग स्थिरांक में प्रथम कोटि का सूत्र ही होता है K=2.303/T log A upon A naught, ये प्रारंभिक सांद्रता या अंतिम सांद्रता। तो हम ये दोनों वैल्यूज दे रखी थी वहाँ पर, और टाइम भी दे रखा था, वो वैल्यूज फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया हमने और आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर मुझे बताना कमेंट करके, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप कमेंट में रीड करूंगा मैं आपका आंसर। क्लियर, नेक्स्ट दे रखा था हमें कि सिद्ध करो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% की तुलना में दुगना लगता है, यानी 99 में जितना समय लगेगा और 90 में जितना समय लगेगा तो 99 इसकी तुलना में दुगना टाइम लेता है। तो हमने केवल ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक इसी सूत्र में ये मान रख दिया 2.303 log प्रारंभिक सांद्रता कितनी 100, वो कितना आएगा 90, यानी 100 माइनस 90 करेंगे ना 99 तभी तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा लोग 100, लोग 100 का मान 2 होता है, और इसमें 90% में क्या करेंगे 100 माइनस 90 करेंगे 10, और लोग 100/10 यानी लोग 10 का मान 1। तो ये इस इन फॉर्मूले के यहाँ पर दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है ये 2 times है, ये सिंगल टाइम्स इसका। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था हमारा 28। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 आंसर 29 का क्या है, इसमें हमको दे दिया कि शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उद्योग निर्माण का सचित्र वर्णन करना। आप इसमें जो हमारा शीश कक्ष विधि, इसमें जो इसका डायग्राम हो वो डायग्राम प्रॉपरली बनाएंगे, और उसमें जो इन्वॉल्व रिएक्शन है केमिस्ट्री वो आप इसमें समझाएंगे प्रॉपरली। इसकी केमिस्ट्री क्या है कि देखो, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना रही। क्लियर बात, और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है ये हमारी, ये वाटर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे, ओलियम बना रहे, H2H2O7 ओलियम, और ये ओलियम फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके H2S2O7 फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, 2 mole ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये पूरी केमिस्ट्री उसमें, ये रिएक्शन प्रॉपरली विद डायग्राम आपको वहां पर रिप्रेजेंट करनी होगी, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर बात, तो ये तो हुआ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। 3 क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, डायग्राम को प्रॉपरली साफ साफ बनाना आप, है ना। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने की सचित्र वर्णन। ओजोन गैस दो विधि से बनाया जाता है, एक ब्रांडी ओजोनाइजर, एक सीमेन ओजोनाइजर। हम उनकी रिएक्शन समझा देते हैं। ब्रांडी ओजोनाइजर में क्या होता है, सीमेन ओजोनाइजर बेसिकली यही इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है, सनलाइट जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन हमारी, जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते इसके साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन गैस में। तभी तो ये ओजोन परत जो हमारी आसमान में दिखाई जाती है, वातावरण की ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करके ओजोन गैस बना देती है, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर कमी पड़ रही तभी तो कहा जाता है कि ओजोन लेयर में छेद होते जा रहे, तो ओजोन वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ओजोन की कंसंट्रेशन ही बढ़ेगी। तो उसकी रिएक्शन क्या बनती है, उसकी रिएक्शन ये होती है, O2 कन्वर्ट हो रही परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में 3O3 में, ये रिएक्शन है उसकी। आप इसको ही समझाएंगे प्रॉपरली कि इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन होती है वो परावैंगनी प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके किस्मक परिवर्तित हो जाती है, ओजोन गैस बनाती है, और यदि इसकी सांद्रता ज़्यादा रहेगी तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी, लेकिन इसकी सांद्रता कम हो रही, इसकी सांद्रता कम होने के कारण क्या, पेड़ पौधे की कटाई ज़्यादा हो रही, पेड़ पौधे की कटाई होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से ओजोन गैस की मात्रा भी कम हो जाती है, और जिससे ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं, और इससे न जाने कितने पर ग्रीन
वो आपका ग्लोबल वार्मिंग भी इसी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। क्लियर? तो ये हमारा 29 है। और लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन में हम दे रखे हैं कुछ कन्वर्जेंस दे रखे हैं, हम उन कन्वर्जेंस को प्रॉपरली आपको समझा देते हैं। कै आंसर 30 का कै कहा कि इथाइल इथेनोट मतलब वाटर परवन कैल्शियम इथेनोट इज डिस्टिल्ड। कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला ये होता है CH3COO होल ट्वाइज CA। इसको हम डिस्टिल्ड करते हैं, इसको जैसे हम गर्म करते हैं ये कैसे टूट जाता है, ये एसीटोन बनाता है CH3COCH3 एसीटोन बना रहा प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। केवल ये केमिस्ट्री इसकी। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया समझाइए कि एसिटाल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है जबकि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता। इसके लिए आपको एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन की जो डेफिनेशन है, ऐसे एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। दोज एल्डिहाइड विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। परिभाषा क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो एल्डोल संघनन देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा वो एल्डोल संघनन नहीं देंगे। एसिटाल्डिहाइड की हम बात करेंगे CH3CHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसकी बगल का जो कार्बन होगा इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो अटैच हो गए उनको अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ में यहाँ पर एच है, ये क्रियात्मक समूह, इसकी बगल में कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है इसके पास उपस्थित। जब इसके पास अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी एब्सेंट है। ये एच तो केवल इस कार्बन की वैलेंसी के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए एसिटाल्डिहाइड एल्डोल संघनन को देता है जबकि फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन को नहीं देता है, ये कारण है इसका। क्लियर है? अब दो रिएक्शन दे रखी, जरा इन रिएक्शन को जरा ध्यान समझ लेना। CH2CH3 के मैंने फोर के साथ रिएक्शन करनी थी, और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी थी, गर्म करना था। तो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा हमारा, ये ध्यान रखना जरा, ये जो हमारा CH2CH3 ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फर्दर KOH के साथ रिएक्शन करके एसिड देगा हम, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा COOK, और इसकी फर्दर KOH के साथ रिएक्शन हो रही है यदि, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। ये पोजिशन एक ही है। अगर एक ग्रुप है तो कोई भी कहीं भी हम अटैच कर सकते हैं, अगर दो ग्रुप है तो पोजिशन डिसाइड हो जाती है, ऑर्थोमेटा का कंसेप्ट तब शुरू होता है। क्लियर? नेक्स्ट COOH, इसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगी। SOCl2 की हमने एक लास्ट कन्वर्जन वाली वीडियो में डाला था, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारा क्लोरीन ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा देता है। किसका इंट्रोडक्शन करा देता है? क्लोरीन का इंट्रोडक्शन होगा ग्रुप में, क्या हो जाएगा? COCl, सिंगल बॉन्ड COCl। क्लियर? एक रिएक्शन और ये दे रखी है हम, लेकिन ये रिएक्शन हम आपके लिए एक होमवर्क के रूम में छोड़ देते हैं। आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे, इसको गर्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये क्या है, ये आपके लिए है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध रही होगी, और वास्तव में यदि आपको बहुत लाभदायक रहेगी तो आप इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, और दोस्तों के बीच डिस्कस करना, और पेपर को इस तरीके से हल करना। हमने ये पूरा 2019 का पेपर दो वीडियो पूरा कवर कर लिया। दोनों वीडियो को आप वन बाय वन देखना, एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, पूरा पेपर करने का आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि पेपर ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है, तो फिर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। थैंक यू।